एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। आज का टॉपिक है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ये होता क्या है और इसमें पार्टिकल कैसे मूव करता है, कैसे क्या होता है, आज हम इसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। ये सब हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ जो है ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले y एक्सिस पर, मतलब हाइट बढ़ने पर, ऊपर जाने पर हम वेलोसिटी को इंडिकेट करेंगे कि ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो वेलोसिटी उसकी डिनोट हो रही। जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्राफ एक बना लेता हूँ, ये और ये ऐसे करके ये दिया हुआ है। अगर ये टाइम को बताएगा तो ये क्या बताएगा, वेलोसिटी। यहाँ पर अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर हाइट बढ़ेगी तो वेलोसिटी को हम बढ़ा हुआ मान सकते हैं, ठीक है। और ये किस वाले ग्राफ पर है, हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हाइट है हमारी वाई एक्सेस पे, ठीक है। वाई एक्सेस पर हाइट है और ये एक्स एक्सेस पर टाइम है। टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। पिछले ग्राफ्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पोजीशन और टाइम, जिससे हम वेलोसिटी निकालते थे। पोजीशन और टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम इस वाले ग्राफ में देखेंगे जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, सबसे पहले ये ग्राफ, ठीक है। नंबर वन, इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस पर टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। हमने देख लिया कि वेलोसिटी यहाँ पर है, ये हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर। अब आप जरा देखिए इस वाले पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 हर जगह पर 10 है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। V कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। वेग कैसा है, कांस्टेंट। इसका थीटा कितना है, थीटा इसका ज़ीरो। देखो अगर हम यहाँ से थीटा बनाना स्टार्ट करते हैं और तो ये अभी कितना है, ये उठा ही नहीं, ये थीटा बढ़ता है ऐसे करके, तो ये वाला पॉइंट तो ऐसा ही है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर ये ज़ीरो है तो थीटा इसका 0 डिग्री हो गया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी अगर देखो यहाँ पे टैन थीटा कितना है, 0। अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो टैन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा टैन थीटा के फॉर्म में, 0, ठीक है। पहला ये हो गया। अब एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जिसमें आपका वेग नियत रहे। तो आप हवाई जहाज़ से कलकत्ता से मद्रास जा रहे हैं, ठीक है, या कलकत्ता से बॉम्बे जा रहे हैं मान लीजिए। अब जो हवाई जहाज़ है उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो 10 सेकंड हर 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 600। तो 600 उसकी स्पीड नहीं चेंज होने वाली, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है ना। ये इसकी सिचुएशन है, अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। इसके आगे आ जाओ 2 में, इसमें देखो वेलोसिटी ऊपर से रिप्रेजेंट है, ये टाइम का है, इधर टाइम बढ़ रहा है और हमने देखा वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0, 0, 0, 0, 0, 0, इसका एंगल कितना है, 90 एंगल है ना। अगर 90 एंगल है, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, सॉरी ए कितना, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इन्फिनीटी। इन्फिनीटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इन्फिनीटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच सेकंड हमने मान लिया, पाँचवें सेकंड पे ये इसकी इतनी स्पीड थी, यहाँ से स्पीड 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 कितनी स्पीड चाहिए आपको, सारी स्पीड इसके पास में, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर किसी पार्टिकल की स्पीड इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो ये सिचुएशन है, हो नहीं सकता ये, ठीक है, ये सिचुएशन नहीं हो सकती। तो आपको फिल्मी गाना याद कर लीजिए जिसमें हो नहीं सकता, तो ये वाली सिचुएशन उसके लिए आ जाएगी, ठीक है। इसके आगे आ जाइए, ये इसमें देखिए थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। आप कोई एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए जिस पर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाए। थीटा देखो ये टाइम है, 1 सेकंड, 2 सेकंड,
3 सेकेंड और 4 सेकेंड, 4 सेकेंड हो गए। 1 सेकेंड पर ये यहाँ पर था, क्या इस वाले पॉइंट पर थीटा चेंज है? नहीं, इस वाले पर नहीं, इस वाले किसी पॉइंट पर थीटा चेंज ही नहीं। थीटा क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अगर थीटा कांस्टेंट हो गया तो इसकी यहाँ पर मान लो थीटा का मान 45 है, 45, तो अगर 45 आ गया तो इसकी वैल्यू 1 होती है। एक्सेलरेशन 1 रहेगा हर पॉइंट पर, यहाँ पर 1 1 1 1, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी पर सेकेंड? जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? बढ़ती रहेगी। कितनी? यूनिफॉर्म रूप में। ठीक है, बैलेंस के रूप में यूनिफॉर्म बढ़ता रहेगा। तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। जैसे आप ए से लेकर बी तक गए, यहाँ से लेकर के आप यहाँ पहुँच जाते हो इस वाले पॉइंट पर, इसका टैन थीटा निकाला, ठीक है, एक्सेलरेशन आया 2, 2 एक्सेलरेशन, फिर ए से लेकर इस पॉइंट तक निकाला एक्सेलरेशन 2, फिर इस तक निकाला 2, सभी पॉइंट्स पर 2 2 2 2, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी इसकी? यूनिफॉर्म। ठीक है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? बराबर। ठीक है, यूनिफॉर्म, एक समान रूप से। ठीक है, इतना हो गया। आगे इसमें दिया है ये इसका वेलोसिटी ग्राफ है और ये टाइम है, एक्स पर टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये इस पर देखो यहाँ पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें ये बढ़ गया है तो थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज होगा तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, फिर अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो गई। थीटा इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें तीनों हो जाए? तो आप बाइक लेके घर से बाहर निकले आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे, वहाँ पर तो कोई आगे बच्चा अच्छा भी नहीं आने वाला, आपने स्टार्ट किया 10 की स्पीड से, 20 30 40 50 60 70 80 90 200 300 400 500 600, फिर आप लड़ गए, यहाँ पहुँच गए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको है ही नहीं, तो ये सिचुएशन क्या है जिसमें लगातार एक्सेलरेशन होता रहे, वो सिचुएशन डिनोट करेगी। ठीक है, ओके, इस पे आ जाओ। इसमें देखो थीटा यहाँ पर ज़्यादा था, ठीक है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, 0 हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, थीटा डिक्रीज हो रहा है, पहले तो एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी देखो कम हो गई, ये इसका इंडिकेशन है। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ। इसमें थोड़ा सोचो एक मिनट के लिए कि जब हमारे पास टाइम नहीं था, मतलब टी इज्कल 0 था, तो हम कहाँ पर थे? हमारी वेलोसिटी कितनी थी? निगेटिव में थे, देखो थी। प्रारंभिक वेग जो है निगेटिव है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम टी बराबर 2 सेकेंड बीते हम 0 पर आ गए, मतलब हमारा शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी माइनस की 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो निगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड थी, टी बराबर थोड़ा टाइम बीत गया। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 2 से 0 हो गई, फिर टाइम और बीता, ये देखो वेलोसिटी बढ़ गई। क्या किसी भी एंगल पर, किसी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर, पहले बताओ एक्सेलरेशन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा ना, दो ग्राफ बढ़ रहा। थीटा कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट है। थीटा क्या है? थीटा कांस्टेंट है ना, क्यों? ये देखो यहाँ से लाइन खींचो, थीटा बन गया थीटा, यहाँ खींचो थीटा, यहाँ खींचो थीटा, सारे थीटा बराबर है, थीटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी निगेटिव इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? तो इस सिचुएशन पर हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन और थीटा कांस्टेंट रहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव रहेगी। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ, इसी का बड़ा भाई है ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई। ठीक है, इसमें देखो टी बराबर 0, ये टी टाइम है, इधर की तरफ बढ़ रहा, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, टाइम इधर जा रहा है, टी बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? इतनी,
ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है इसके पास में, शुरुआत में इसका वेग कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। फाइनली जो हम लोग जो भी ग्राफ बनाते हैं उसमें शुरुआत में वेग कितना होता है, गाड़ी आपने स्टार्ट की आपकी वेलोसिटी कितनी, जीरो होती है या 20 हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट कर 20, ऐसा नहीं हुआ ना, गाड़ी स्टार्ट की जीरो, आपने एक्सेलरेशन लिया, स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गई, सॉरी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई, ऐसा होता है। यहाँ पर इसके पास कैसी स्पीड है, पहले से 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, टी बराबर जीरो ही है, हमने टी बराबर 0.00001 सेकंड लिया, स्पीड 50 पहुंच गई, ठीक है, इस सिचुएशन पर ये हो गया। तो थीटा और ए एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट हैं इसमें, और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, सिचुएशन समझ लो। इस पे आ जाओ, इसमें देखो टी बराबर जीरो पर पार्टिकल कहां पर है, टी बराबर जीरो पर इसकी वेलोसिटी बहुत है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहां पहुंचे, ये देखो यहां पे, यहां पहुंच गए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। ये क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे समझ में आया, आपने आप बाइक चला रहे हैं, आपकी स्पीड 50 है, आगे छोटा सा बच्चा देखा आपने, आप स्पीड पर सेकंड कम कर रहे हैं 10 या 2, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर 2 सेकंड कम कर रहे हैं, ऐसे कम करते 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 10 मीटर पर कितनी वेलोसिटी कम हो जाएगी आपकी, 20 बचेगी। तो इस सिचुएशन में देखो कम हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है 50, फाइनल क्या हो रही है कम, यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जीरो हो गया, तो इनिशियल मैक्सिमम और फाइनल जीरो। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, रिटार्डेशन मींस निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और थीटा कैसा होगा, कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं, देखो सभी जगह पर थीटा कितना है, यहाँ भी स्थिर है, स्थिर। अच्छा ये हो गया हमारा, इस वाले ग्राफ पे आ जाओ, इसमें देखो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे देखो जीरो है, टी बराबर 5 सेकंड बीत गए, इसका वेग कितना हो गया, बढ़ा कि घटा ये बताओ, पहले नीचे आ रहा ना, निगेटिव है, घट गया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर निगेटिव 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड घट गया ना, जीरो से 5 बड़ा होता है छोटा होता है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव का 10 हो गया। तो एक्सेलरेशन और थीटा क्या है, कांस्टेंट, देखो थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पे, ये थीटा, और सॉरी ये ऊपर बनेगा, थीटा, थीटा कांस्टेंट और निगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इस वाले पे आ जाओ, शुरुआत में इसके पास में थोड़ा सा वेग है, कैसा, निगेटिव का, ठीक है, मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपकी गाड़ी पीछे जा रही है, फिर आप क्या करेंगे, टी बराबर, हाँ होता नहीं, अच्छा आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, उस रेफरेंस पॉइंट पर आपने गाड़ी स्टार्ट की, बट गाड़ी स्टार्ट करते ही वो जमीन थोड़ी नीचे थी तो आप नीचे चले आ रहे हैं पीछे, ठीक है, आपका वेग कितना है, निगेटिव का 5 मीटर पर सेकंड, आगे जाएंगे तब तो बढ़ेगा ना, तब आपने टी बराबर 5 सेकंड लिए, आपका जो वेग है वो जीरो हो गया, 5 सेकंड पर ये जीरो हो गया, फिर ये कमी होता जा रहा है, सॉरी इस सिचुएशन में बोलना था मुझे ये, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे कैसे भी कोई ग्राफ दे देगा आपको, आपको उसमें से कोई एक ग्राफ लेकर के उसे क्लियर समझ के उसे बताना है कि क्या पोजीशन है इसमें, क्या हो रहा है इसमें। फाइनली हमें कोई एक छोटा सा ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ से पूछा जाएगा कि आप बताइए इस ग्राफ से आप क्या समझे, अच्छा अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया, हाँ विस्थापन ये ऐसा दे दिया, ये इधर टाइम बढ़ रहा, ठीक है, इधर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ये इधर वेलोसिटी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो गए 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी दे दी उसने। अब बोला कि ज़ीरो यहाँ पर दिया हुआ है, ज़ीरो ज़ीरो,
ओरिजिन 0 0 है। अब 0 से लेकर के 10 सेकंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए, पहला क्वेश्चन, ठीक है? या 0 से लेकर के इनिशियल ए बी सी और डी, ए बी पर एक्सेलरेशन बताइए, बी सी पर एक्सेलरेशन बताइए और सी डी पर एक्सेलरेशन बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए से लेकर के डी तक उसकी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, दो क्वेश्चन, ठीक है? अगर ये पूछेगा कि बी वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बता दोगे 4 मीटर पर सेकेंड है, सी पर भी 4 मीटर पर सेकेंड है, ए पर 0 है, डी पर कितनी है, 0, ठीक है? डी पर टाइम कितना है, 10 सेकेंड, सी पर 8 सेकेंड, बी पर 4 सेकेंड, ए पर 0 सेकेंड, ठीक है? बट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो बी वाले पॉइंट पर ए से लेकर के बी पॉइंट तक एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये लाइन जो दी हुई है, ये इतनी, ये क्या है, 4, हाइट 4 है ना इसकी, और ये कितना है, 4। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन के लिए आप क्या निकालते हैं, टैन थीटा, तो थीटा ये हमने बना दिया, तो टैन थीटा इज इक्वल 4/4 कितना हो गया, 1, तो कितना आने वाला, कितना एक्सेलरेशन होगा, 45 एक्सेलरेशन, अच्छा 1 आएगा ना, तो एक्सेलरेशन हो गया 1, ठीक है? सी से लेकर के डी तक बताइए एक्सेलरेशन कितना, सी से लेकर डी तक, पहले सोच लेना सही से ग्राफ, सी से लेकर के डी तक आ रहा है, वेलोसिटी 4 थी, फिर कम हो रही है, एंगल कौन सा आप चूज करेंगे, ये कि ये, अगर ये एंगल चूज करेंगे तो एक्सेलरेशन निकालिए, ये एंगल चूज करेंगे तो तभी एक्सेलरेशन निकालिए, सब में एक्सेलरेशन तो निकाल रहा हूँ ना, चलो ठीक है हम निकालते हैं, ये दिया हुआ है ऐसे करके, अच्छा पहले एक मिनट को, बी से लेकर सी तक बताओ एक्सेलरेशन कितना, 1, अच्छा एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, ऐसा है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं ना, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, 0, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 1, यहाँ और यहाँ पर, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है वेलोसिटी, 4 है ना यहाँ पे, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो ये कितना हो गया, 4, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये हमने मान लिया है, इधर अगर ये थीटा माना है हमने, ठीक है, तो इधर का कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, बताओ, नहीं होगा, अरे पागल हो, ये थीटा है, टोटल लाइन 180 की है, तो ये कितना आएगा, ये 45 है, तो ये कितना आएगा, 135 ना, कैसे निकाला, लेस किया ना, तो वही तो हमने किया वहाँ पे। तो इस ट्राइंगल में देखो यहाँ कितना एक्सेलरेशन है, 2 है ना यहाँ पर, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/2, 2, टैन थीटा इतना आया है, बट यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब -2 आएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें आ जाओ, इस वाले ए पॉइंट से चल करके डी तक पहुँच गया, ये डी तक पहुँचने में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस पूरे सेक्शन का, इसका पूरा एरिया निकाल देंगे, ये हमने एरिया निकालना है इसका। अब आपको अगर समलंब का क्षेत्रफल पता है तो आप निकाल सकते हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लो और इस स्क्वायर का अलग निकाल लो, ठीक है ना। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एरिया निकालो, हाफ, बेस कितना है, 0 से 4, 4, परपेंडिकुलर कितना है, 4, प्लस क्या, 1। अब एल इंटू बी होता है ना, ठीक है, रेक्टेंगुलर का या स्क्वायर का एल इंटू बी, तो ये कितना है, 4, 4 प्लस, यहाँ पर आ जाओ हाफ, इसका एरिया ये कितना है, 2 इंटू 4, ये कट,
फोर यहाँ पर आ गया, टू एट प्लस प्लस फोर 28। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, मीटर या सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा ऐसे दूसरा ग्राफ समझ लो, जरा ये दे दिया, ये V है और ये T है, कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन पूछेगा, ये सारे पॉइंट दिए हैं इसने, ये 4 मीटर पर सेकंड है और नीचे वाला -4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। अब आप बताइए कि अगर इस ए बी सी डी ई एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी डिफरेंस करेंगे टाइम की रिस्पेक्ट के साथ में। ठीक है, अगर आपने स्लोप निकालना सीखा है 10th में, स्लोप क्या होती है, प्रवणता, प्रवणता निकालना सीखा था दो पॉइंट्स पर, y2 - y1 बाई x2 - x1 ऐसा था कुछ, तो यहाँ पर ये क्या है, v2 - v1 बाई t2 - t1, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 2 0 है, सॉरी 0 2 है, और यहाँ पर आ जाओ 4, अरे यार 0 4 क्या मैं लिख रहा हूँ ये, सॉरी 2 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है 0 4। इस स्लोप की प्रवणता निकालिए आप, ठीक है, स्लोप निकालिए इसका, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, मान लो ये हमारा है v1, ये टाइम का है ऐसे करके, तो यहाँ पर देखो ये xy में दिया है, हमारा प्रवणता का फॉर्मूला क्या था, y2 - y1 बाई x2 - x1, तो यहाँ पर ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, बस ऐसे तो निकाला जाता है। अगर उसने बोला डिस्प्लेसमेंट बताइए तो क्या करेंगे आप, ये निकालेंगे इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन दोनों का एरिया निकाल देंगे, बस हो गया। ओके, थैंक यू।